हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड बहुत दिनों बाद मैं ऐसे व्लॉग शूट कर रही हूँ, सो बहुत दिनों बाद मेरा और आपका मुलाकात हो रहा है। मैं अभी फिलहाल भुवनेश्वर में हूँ। मैं कुछ काम से आई हुई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ किड स्क्वायर और अभी बज रहे हैं शाम का 6, तो कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे और डिनर वगैरह लेते हुए आएंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाती हूँ किड स्क्वायर। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो अभी हम सोच रहे हैं बस में जाए, क्योंकि भुवनेश्वर में जो है मो बस चलता है, तो या तो बस लेंगे या फिर चल के चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 500 मीटर्स दिखा रहा है गूगल मैप में। सो देखते हैं।
अभी एक्चुअली मैं वीडियो एडिट कर रही थी एंड मैंने देखा कि एक क्लिप जो है वो डिलीट हो गया है, क्योंकि हमेशा हो जाता है मेरे साथ, हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं कुछ रखे रहती हूँ इम्पोर्टेंट तो वही डिलीट हो जाता है, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि मैं जहाँ पर वाघा नूडल्स खाई वहाँ के जो दो लेडीज़ थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे एंड वो लोग अपना जो आउटलेट है बहुत जगह पे ओपन किए हैं। इवन वो लोग आपके घर तक भी सर्विस देते हैं घर जैसा खाने का, जैसे कि आप लोग अगर हॉस्टल में रहते हो देन डेफिनेटली आप लोग को घर का याद आता होगा, घर का खाने का याद तो स्पेशली आता होगा, तो वो जो है वो उनका कमी पूरा कर देते हैं। सो या अगर आप लोग भुवनेश्वर में रहते हो देन प्लीज़ विज़िट करिए, कि कैंपस रोड में ही है उनका स्टॉल, आप लोग आराम से देख सकते हो, बहुत क्यूट सा स्टॉल है, अलग से आपको देख ही जाएगा। सो या बस यही कहना था, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा प्यार इतने कम दिन में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यस, ऐसा जो फ्लैश मॉब है उसके ऐसा वीडियो आगे भी आने वाला है, क्योंकि हम लोग का ब्रांच फेस्ट होने वाला है आगे। सो या स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।